कहां से शेयर की अल्लू अर्जुन ने फोटो, कब से शुरू होगी पुष्पा 2 की शूटिंग। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा की हर तरफ चर्चा हो रही है। ये फिल्म न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि हिंदी भाषी दर्शकों को खूब भा रही है। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। फिल्म में अपने जबरदस्त एक्टिंग से अल्लू अर्जुन ने सीधे दर्शकों के दिलों को छू लिया है। इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग भी कई गुना बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर की, जो देखते ही वायरल हो गई। अल्लू अर्जुन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से दुबई के द आरा स्काई पुल पर ली गई एक शानदार तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में स्काई पुल पर खड़े अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं। तस्वीर में अल्लू अर्जुन बैक साइड से नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर महज कुछ मिनटों में 11 लाख के करीब लाइक्स आ चुके हैं। दरअसल द आरा स्काई पुल हवा में 200 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ है। यहाँ का एक्सपीरियंस लोग सालों तक नहीं भूल पाते हैं। पुष्पा की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की किस्मत चमक उठी है। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने अल्लू अर्जुन की झोली में कई बड़े बजट की फिल्में ला दी हैं। इन फिल्मों के लिए अल्लू को काफी अच्छी रकम ऑफर की जा रही है। खबर है कि लाइका प्रोडक्शन ने अल्लू अर्जुन को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया है। दावा किया गया है कि इन प्रोजेक्ट के लिए अल्लू अर्जुन को 100 करोड़ से अधिक की फीस ऑफर हुई है। जल्दी पुष्पा का दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसकी शूटिंग ज्यादातर हैदराबाद के रामोजी स्टूडियो में की जाएगी, क्योंकि जंगल के जितने भी सीन शूट होने थे वो पहले पार्ट के दौरान शूट कर लिए गए थे। इस पार्ट में फहद फाजिल का रोल ज्यादा होने वाला है, इसलिए उनकी शूटिंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि पहले पार्ट के दौरान उनकी शूटिंग बहुत कम हुई थी। पुष्पा का दूसरा पार्ट 17 दिसंबर 2022 तक स्क्रीन पर आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसके सेकंड पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।